लेकिन जब हम फेलियर को एक्सपोज करेंगे तो फिर हम फेलियर को इम्प्रूव कर सकेंगे। हम उसको छुपाते रहेंगे तो वो फेलियर तो फिर रेयरली बढ़ती जाएगी। देयर इज ऑलवेज टू वे ऑफ लुकिंग द प्रॉब्लम, आइदर पोस्टपोनिंग इट आर कन्फ्रंटेड। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम उकेली। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज ए वाइस चांसलर ऑफ मरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जामशेरो। लेट मी स्टार्ट माई जर्नी। माई जर्नी स्टार्ट फ्रॉम ठट्टा। आई एक्चुअली बॉर्न इन वन ऑफ द वेरी हिस्टोरिकल सिटी ऑफ द प्रोवेंस ऑफ द सिंध, ठट्टा, विच इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्ट्री। It remained for 400 years. It was the capital of this province of the Sindh. And I was born in one of the Ukeli family, which is actually famous for education. Hamari family mein zyadatar log jo the, wo muallim the, ustad the. Aur main usi family mein paida hua tha. Mere dada jo the, my grandfather was also a school teacher. And he died quite early. My father was only 2.5 years old when my grandfather was died. My father, despite being orphan at a very young age, studied in Sindh Madrasatul Islam and did his matric, enter from DJ Science College, and then end up in DMC as a medical student. Couldn't continue for some good reasons, so then he married in 60s, did some jobs here and there, then end up, when I was born on 8th March 1964, on the same day, my father received a job order in the National Bank of Pakistan. So he always considered me as luck, that it is when you born, it is actually the day when I got this job, which he continued till his retirement. So my age and my father's service in the bank were exactly the same. When I was growing, the same as the service of my father was growing. I studied in one of the very old school known as Government Akhund Baradia School, a government school. Later on in Government High School, Thatta, and then from Government College, Thatta. उस ज़माने में आम तौर पे लोगों का यही तासर था कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो मैं और मेरी बहन बड़ी, दोनों हम क्लास फेलो थे। आई वॉज एक्चुअली शाय इन सिटिंग अलोन। सो इनिशियली व्हेन आई वॉज स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, आई वॉज जस्ट प्रोमोटेड बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन द सेम क्लास वेयर माई सिस्टर सिट्स। सो आई वॉज लाइक डबल प्रोमोटेड। सो तो इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा। एंड मी एंड माई सिस्टर वर क्लास फेलोज। सो आई वॉज रिलेटिवली यंगर इन माई क्लास इन टर्म्स ऑफ एज। एंड उस ज़माने में आई डिड माई मैट्रिक इन 78, माई बर्थ ईयर इज 64। उस ज़माने में अगर ये कंडीशन होती कि नाइन्थ क्लास में आप 14 साल के होते तो शायद मुझे एक साल बैठना पड़ता। सो तो फर्स्ट ईयर में एक ही कॉलेज होता था बॉयज़ एंड गर्ल्स का। मेरे चचा इस वक्त हैदराबाद में थे, ही वाज सुपीरियर इंजीनियर। उनने ख्वाहिश की कि मेरे वालिद को कहा कि आप इनको हैदराबाद भेजें, हैदराबाद में एजुकेशन अच्छी है। लेकिन मेरे वालिद का ख्याल था कि मैं वहाँ नहीं हूँ। मेरे ख्याल में हमारी तवज्जो ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी एजुकेशन से ज़्यादा। तो वी एंड अप इन ठट्टा कॉलेज, मी एंड माई सिस्टर। इट वॉज़ अ को एजुकेशन। 5 लड़कियाँ होती थी, 5-6 ज़्यादातर बॉयज़ होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज़ नंबर 1 इन ठट्टा एंड द मेरिट लिस्ट। एंड उस ज़माने में NED में सीट्स होती थी रेसिप्रोकल बेसिस पे मेहरान के थ्रू। तो ठट्टा की 2 सीटें थी। तो सिंस आई वॉज़ टॉप इन, एंड उस वक्त NED पुरानी यूनिवर्सिटी थी, बेहतर एजुकेशन, बेहतर यूनिवर्सिटी समझी जाती थी मेहरान के मुकाबले में। तो आई एंड अप इन NED। और NED में उस वक्त 3 ही डिसिप्लिन थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो इंटरेस्टिंगली वन ऑफ माय अंकल वाज सिविल इंजीनियर एंड ही सेड कि सिविल में जॉब तो है लेकिन रिश्वत बहुत है, इसलिए सिविल तुम ज्वाइन नहीं करो। और दूसरे मामा थे मैकेनिकल में, वो ही वाज इन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। उनका ख्याल था कि मैकेनिकल इज़ टू ड्राई, आप मैकेनिकल नहीं करो। सो आई एंड अप इन इलेक्ट्रिकल, क्योंकि उस ज़माने में कैरियर काउंसलिंग वगैरह नहीं होती थी।
सो आई एंड अप इन इलेक्ट्रिकल, सो आई बिकम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. और उस वक्त ये थी कि CSS करें, मोटिवेशन ये थी. और CSS करने के लिए सबसे आसान जॉब लेक्चरशिप है, क्योंकि वहाँ कुछ काम नहीं होता. दैट वॉज ट्रू. सो आई ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी वे बैक इन 87 एज ए लेक्चरर. टाइम हमें NED में काफ़ी लगा, क्योंकि उस वक्त ये वो ज़माना था जब ये जो एथनिक वायलेंस बढ़ा हुआ था, तो उसकी वजह से वहाँ पे हमें 4 साल का कोर्स 6 साल में करना पड़ा. तो 81 बैच थी, तो 87 में हम पास आउट हुए. एंड इमीडिएटली बिफोर इवन द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट, आई ज्वाइन वन इंडस्ट्रियल कंपनी. मैंने 3-3.5 माह वहाँ जॉब की, और उसके बाद यहाँ मेरे पास एक रेलवे की ऑफ़र थी, एक पाकिस्तान एटम के एनर्जी कमीशन में थी, और स्टील मिल थी, और ये मैरान थी. तो आई एंड अप इन मैरान. आई थॉट कि मुझे CSS करना है, तो यहाँ मैं कुछ पढ़ सकूँगा. लेकिन समहा बाबा का ख्याल था कि नहीं, शादी अब बहुत जल्दी करनी है, क्योंकि वो टाइम उसी वक्त यही था. तो आई वॉज मैरिड बिफोर 25 in 89 January. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं एग्ज़ाम के लिए फॉर्म जमा कराऊँ और CSS अपियर हूँ. 89 के मिड में ही एक SNT स्कॉलरशिप्स आ गई. आई वॉज वर्किंग लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी, एंड वो स्कॉलरशिप आ गई. स्कॉलरशिप जब आई तो ज़ाहिर है मैंने भी अप्लाई किया, एंड और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर महबूबुल्लाह के ज़माने की स्कॉलरशिप इस लिहाज से भी मशहूर है कि वो सारी मेरिट पे हुई थी. और आई वॉज सेलेक्टेड फ्राम अक्रॉस द होल कंट्री अंडर दैट 100 स्टूडेंट, एंड SNT स्कॉलर के तौर पे हमारी सिलेक्शन हुई. हमारी ट्रेनिंग हुई इस्लामाबाद में 90 में, और वो बड़ा टाइम बड़ा क्रिटिकल था, क्योंकि माय फादर वाज रिटायरिंग, एंड उनका ख्याल था कि मैं जितनी जल्दी बाहर न जाऊँ. सो आई डिलेड माई डिपार्चर फॉर 1 ईयर, और मैं बड़ा परेशान था कि अब भाई बहन की एडमिशन होनी थी. उनका ख्याल था कि वालदेन का कि आप यहीं रहें, इनकी एडमिशन हो जाए, ये हो जाए. सो आई वॉज क्वाइट, आई रिमेंबर ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड कि मैं पता नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा. स्कॉलरशिप हाथ में थी, 90 से एक लेटर पढ़ा हुआ था, लेकिन आई डिलेड फॉर 90, 91. फिर 92 में बड़ा मैं डिसीजन लिया कि नाउ आई हैव टू गो. फिर मैं बिस्मिल्लाह करके चला गया, और जैसे ही मैं UK इंग्लैंड पहुंचा, तो उस वक्त कंडीशन ये थी कि आपने SNT की कि पहले मास्टर्स करनी है फिर PhD. और डिले की वजह से उन्होंने टाइम पीरियड कम कर दिया, 3.5 साल की स्कॉलरशिप की 4 साल की जगह. तो मेरे लिए बड़ा ये चैलेंज था उस वक्त कि मैं 1 साल तो ज़ाहिर मास्टर्स में लगना था, बाकी 2.5 साल की स्कॉलरशिप थी मेरे लिए PhD की. तो दैट वॉज़ ए वेरी बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि उस ज़माने में PhD 3.5-4 साल से कम कोई कर नहीं सक रहा था. 3 साल तो मिनिमम टाइम पीरियड था, और वो एक उससे पहले आप जमा नहीं करा सकते थे, क्योंकि 3 ईयर द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन ऑफ द PhD थीसिस. और मेरी स्कॉलरशिप 2.5 साल थी. तो MS के फ़ौरन बाद मैंने काम तो शुरू कर दिया, और मैंने सुपरवाइज़र को भी कहा, तो उसने कहा कि वी विल सी लेटर, और ये सिलसिला चलता रहा. अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड माई मास्टर्स इन गुड टाइम एंड इन प्रिस्क्राइब टाइम विद डिस्टिंक्शन. मेरे कोर्सेज में डिस्टिंक्शन आई थी. इसकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं जैसे ही PhD का स्टूडेंट बना, तो मुझे वहाँ उन्होंने टीचिंग असाइनमेंट में इंगेज किया मेरी मास्टर्स की वजह से. तो फॉर ऑल दोज सब्सिक्वेंट ईयर्स आई वॉज इन्वॉल्व इन टीचिंग टू अंडर ग्रेड एंड डूइंग लैब वर्क फॉर द मास्टर्स स्टूडेंट, एंड आई वॉज क्वाइट गेटिंग गुड हैंडसम मनी आउट ऑफ इट. तो मेरी स्कॉलरशिप जो थी इस वक्त 422 पाउंड थी, तो सेम अमाउंट वाज आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस लीड्स यूनिवर्सिटी वेयर आई वाज स्टूडेंट ऑफ PhD. तो और मेरी मोटिवेशन ये थी कि क्योंकि मुझे 2.5 साल में PhD करनी है, और अगर मुझे 6 माह रहना पड़ा तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं होगी. तो आई शुड सेव सम मनी सो दैट आई कैन एक्चुअली डू माई PhD इन द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, तो मुझे तकलीफ ना हो. तो मैंने इस हवाले से अपने जो है वो उसी तरह मुझे याद है कि मैंने ये भी फैसला किया कि मैं जो है वो मेरी क्योंकि स्टडी लीव विथ पे थी, तो मैं कोशिश थी कि मैं एक अच्छा घर भी बना लूँ शुरू से. तो मैंने वो अपने पैसे भी कराची में एक जगह पे इन्वेस्ट कर लिए कि मेरी वो
इसमें जब मैं वापस आऊँ तो मुझे एक घर भी मिल जाए, क्योंकि सैलरी मेरी बच रही थी और अल्लाह की फजल से घर वालों का प्रेशर नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलता रहा एंड आई वाज डूइंग वेरी गुड। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मास्टर्स में बच्चों को पढ़ाने का अंग्रेज इंग्लैंड के कंट्री में, तो माय कम्युनिकेशन स्किल्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। और लेकिन बाद में ये हुआ कि व्हेन आई रिमेंबर दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट डे फॉर मी। आफ्टर 2 ईयर्स आई जस्ट टॉक टू माई सुपरवाइजर के प्रोफ, रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट आई हैव स्कॉलरशिप फॉर 2.5 ईयर्स, सो इन द नेक्स्ट 6 मंथ आई हैव टू कम्प्लीट माई PhD, सो डू यू हेल्प मी इन रिड्यूसिंग माई टाइम पीरियड। तो उसने कहा कि क्योंकि वो मुझे मोहम्मद कहते था, मेरा नाम मोहम्मद असलम था तो वो फर्स्ट नाम से बुलाता था, तो कहने लगा मोहम्मद आई नो योर इंग्लिश इज़ गुड बट आई थिंक इट इज़ ओनली द नेटिव इंग्लिश यू कैन डू बिफोर 3 ईयर, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, यू मे हैव टू थिंक अबाउट पार्ट टाइम। अब जाहिर है मेरे लिए बड़ा धचका था, तो मैंने फिर वो डिसीजन लिया कि मैं बच्चों को, आई वॉज एट दैट टाइम 2 किड्स विथ वाइफ, एक बच्ची वहीं पैदा हुई थी, एक बच्चा यहाँ पाकिस्तान, तो आई जस्ट आस्क्ड देम कि लेट्स गो टू पाकिस्तान एंड हैव सम, यू स्पेंड सम टाइम देयर एंड मैं अकेला हूँगा तो वो थोड़े से पैसे सेव हो जाएंगे, ताकि मैं 6 माह की मुझे फ़ीस भी अदा करनी हुई है, विच इज़ क्वाइट हैंडसम अमाउंट, 4,000-5,000 pounds, तो जो मेरी सेविंग्स हैं वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वी जस्ट वेंट, तो माय वाइफ सेड के शैल वी गो बाय ऑफरिंग उमरा, एंड वी वेंट टू उमरा, सऊदी अरब गए, उमरा किया, हफ्ता हफ्ता पाकिस्तान में रहे, एंड आई केम बैक ऑन 16th January 1996 बैक टू माय यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी, एंड आई मेट विथ प्रोफेसर, एंड दैट वाज अ वेरी बिग डे फॉर मी, बिकॉज ऑन दैट डे Prof asked me that, Mohammed, do you remember you said that you want to complete PhD in 2.5 years? And say, yes, give me your case. I want to recommend your case for 6 month waiver. And that was, I say, oh my God, this is happening now. Meri PhD jo hai, wo complete ho rahi hai. To, kyunki main kaam to kar chuka tha, to alhamdulillah, supervisor ne mera case recommend kiya. He was dean of engineering also. Aur uski recommendation, zahir hai ke wahan, तो उसने जब रिकमेंड किया तो आई वाज इमीडिएटली गिवन 6 मंथ वेवर। तो आई वाज लकी एंड दिस वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द होल वर्ल्ड कंप्लीटिंग PhD इन लेस देन 3 ईयर, एंड आई एम वन ऑफ द कैंडिडेट हु सबमिटेड माय PhD इन 2.5 ईयर। दैट वाज आल्सो मेरी माय अचीवमेंट। और उसका मुझे 2 फ़ायदे हुए, एक तो ये कि मैं PhD जल्दी कर गया, ज़ाहिर है कि एक बड़ी सेटिस्फेक्शन थी। दूसरा ये कि वो जो मैंने पैसे बड़ी मुश्किल से बचा के रखे थे कि मुझे शायद देने पड़े, वो मुझे देने नहीं पड़े, तो व्हेन आई केम इन पाकिस्तान आई वाज क्वाइट रिच बिकॉज आई हैव दैट मनी इन पाउंड्स। और वो सिलसिला फिर जो है चलता रहा व्हेन आई केम बैक। जब वापस आया तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली द लाइफ स्टाइल विच वी हैव स्पेंट इन UK वॉज इंटायरली डिफरेंट। और यहाँ आके हमने कहा कि ये सैलरी उस वक्त जो थी वो 16,000 रुपये थी, तो उससे बड़ा मुश्किल था कि खर्चे कर सकें। तो देन वी इन्वॉल्व इन दिस कंसल्टेंसी, आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड मुश्ताक मीरानी, एजाज एंड सो मैनी अदर हु इन्वॉल्व मी इन कंसल्टेंसी, एंड देन आल्सो टीचिंग इन प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स इन इवनिंग। एंड दिस वे मुझे कभी भी अल्लाह की फजल से इकनॉमिकली मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आई वॉज़ गुड इन टीचिंग, आई वॉज़ गुड इन कम्युनिकेशन, तो मुझे जो भी सब्जेक्ट दिया जाता था आई वॉज़ एक्चुअली वेरी कम्फर्टेबल इन टीचिंग। और फिर हमारा ये था कि मेहरान जो हमारा इदारा है, अब अगर हम यहाँ आई गए हैं तो उसको किस तरह, अब हम इस पोजिशन में आए, क्योंकि उस वक्त यंग PhD वेरी फ्यू, आई मीन आई रिमेंबर वेन आई केम विथ ए PhD मेरे डिपार्टमेंट में 2 PhD थे, तो डायनामिक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़े थोड़े थे, इलेक्ट्रिकल में इतफाक़ से 2 थे, काफ़ी डिपार्टमेंट तो एक एक था या था भी नहीं, तो काफ़ी रिस्पांस मिला। एंड देन वी थाट के हाउ टू मेक दिस यूनिवर्सिटी ए बेटर प्लेस, तो वो ISO 9000 का आइडिया आया, और फिर डॉक्टर अब्दुलरहमान ने बड़े एफर्ट्स लिए, क्योंकि मोटिवेशन ये थी कि मुझे याद है कि एक ज़माने में पीपल वर प्रेफरिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम
University of Lahore and NED compared to Mehran, and that was the biggest disappointment. तो हमने कहा कि इन बच्चों को हम किस तरह ग्रो करें, इनको किस तरह लाएं, और अल्लाह के फजल से 2003 में आई गॉट ए चांस एंड माई वाइस चांसलर ऑफ दैट टाइम डॉक्टर राजपूत साहब आए थे, तो उन्होंने मुझे इंडक्ट किया अपनी टीम में एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ISO. So after 6 months we were ISO certified university, and it was only the second public sector university in the whole country which was ISO 9000 certified. और हमारी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हुई, और एक साल के बाद 2004 में माई वाइस चैनलर आस्क मी टू टेक द चार्ज ऑफ रजिस्ट्रार, एंड आई रिमेंबर आई एक्चुअली आस्क हिम, क्योंकि रजिस्ट्रार वॉज अ डिफिकल्ट जॉब एट दैट टाइम, बच लड़कों के मसाइल थे, बाइकॉट, धरने, बहुत सी चीज़ें, तो आई वॉज़ नॉट वेरी कन्विंस के आई शुड टेक द चार्ज ऑफ रजिस्ट्रार. तो मैंने अपने वाइस चांसलर उनको कहा कि सर व्हाट इज़ गुड फॉर मी इन इट, यू आर आस्किंग मी टू टेक द चार्ज ऑफ रजिस्ट्रार विच इज़ प्राइमरली डूइंग लॉट ऑफ दिस ऑफिस वर्क एंड आई एम बेसिकली अ प्रोफेसर, सो डोंट यू थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू. कैन नो यू हैव द एटीट्यूड, यू कैन एक्चुअली परफॉर्म. लेकिन उनने एक चीज़ कही जिसको मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल एक सही बात कही, उन्होंने कहा कि जब तुम वाइस चैनलर बनोगे तो तुम्हें मुश्किल नहीं होंगी. तो मेरे ख्याल में वो एक बड़ा मेजर डिसीजन था, तो आई बिकम रजिस्ट्रार एंड फ्राम डैट डे आनवर्ड वी थिंक दैट द यूनिवर्सिटी को जिस तरह एक टीम बिल्डिंग करने में हमें शुरू से टाइम मिल गया, और राजपूत साहब के ज़माने में आई वॉज रजिस्ट्रार फॉर अबाउट गुड 5+ ईयर, देन ए प्रो वाइस चांसलर एंड देन टुक ओवर एज ए वाइस चांसलर. तो कोई पिछले 16-17 साल से, और हमें बड़ी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हुई कि HEC ने जब रैंकिंग अनाउंस की तो मेहरान यूनिवर्सिटी वॉज डिक्लेयर द नंबर 1 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन द प्रोवेंस, एंड इन पब्लिक सेक्टर वी वर नंबर 2, UET लाहौर वॉज अहेड ऑफ अस इन ओवरऑल रैंकिंग, द लास्ट रैंकिंग विच वॉज पब्लिश वी आर नंबर 6 इन द होल कंट्री. और उनमें जो चार यूनिवर्सिटी हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर और वो डिफरेंट है, लेकिन हमें बड़ी एक सेटिस्फेक्शन हुई कि नाउ वी आर एट सम प्लेस, और हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस, हमारे बच्चों की जो है वो नौकरियों का हासिल करने का एटीट्यूड वो बड़ा इम्प्रूव हुआ. और हमने उस वक्त एक कॉन्सेप्ट दिया माई यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में भी वन ऑफ द मेजर इशू इज़ द एक्ट ऑफ बिलोंगिंग, हम अपने मुल्क को ओन नहीं कर रहे. और हमने बाहर देखा, हमने बाहर जो सीखा, क्योंकि फिर काफ़ी मौका मिला अल्लाह के फजल से, क्योंकि अताउर रहमान साहब ने उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा सपोर्ट किया था अताउर रहमान साहब के ज़माने में, तो वी हैव द चांस ऑफ सबमिटिंग अवर पेपर्स इन डिफरेंट कंट्रीज़ वेर वी आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग पेपर्स एंड इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स. और उस वक्त हमें जो फ़ायदा हुआ कि हम अच्छी चीज़ें वहाँ से रेप्लिका करके हम यहाँ ले आए, ताकि हम यहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट कर सकें. और फिर हमारी ट्रेनिंग भी कराई HEC ने, मुझे याद है कि एक ब्रिटिश काउंसिल के मदद से हमारी ट्रेनिंग हुई UK में फॉर पोटेंशियल वाइस चांसलर, उस ज़माने में मैं प्रो वाइस चांसलर था, तो हमें बड़ी लर्निंग हुई कि वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ कैसे चल रही हैं, वहाँ के अदारे कैसे चल रहे हैं, वहाँ कैसे वाइस चांसलर काम करते हैं, वो हमने कोशिश करके यहाँ अडाप्ट करने की कोशिश की, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ. एक जो हमने कॉन्सेप्ट दिया माई यूनिवर्सिटी का, कि जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर आपने भी महसूस किया होगा कि जो माए का लफ्ज़ है वो सिर्फ हम अपने घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं मेरा घर, मेरी गली कभी नहीं कहते, गली के कहल कहते हैं अपनी गली. और यही वजह है कि आप बड़े बड़े मोहल्लों में जाएं, बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स में जाएं, तो घर बड़े शानदार बने हुए हैं, लेकिन बाहर उनका हाल बड़ा ख़राब है, क्योंकि हमने गली को कभी अपना समझा ही नहीं है, गली को हमने मुश्तरका प्रॉपर्टी करके उसको छोड़ दिया है कि इस पर नहीं ख़र्चा करना, घरों पर ख़र्चा करना है. तो अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पर ये कल्चर इनकलकेट करने की कोशिश की कि बच्चों को कहा कि दिस इज़ योर यूनिवर्सिटी, स्टार्ट कॉलिंग इट माई यूनिवर्सिटी, वर्ड माए का इस्तेमाल ज़्यादा करो. उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, बच्चों ने इसको ऑन करना शुरू किया. अब बच्चे यहाँ पे गन नहीं करते, अब बच्चे यहाँ डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कि ये मेरा घर है, मेरे अपने घर को क्यों ख़राब करूँ. तो ये हमने इतना उनको फीड किया है कि अब वो आप देखेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी साफ़ सुथरी मिलेगी. फिर इस ज़माने में अल्लाह ने भी मदद की, क्योंकि वेन ये देर द विल देर इज़ ऑलवेज द वे,
कहते हैं कि हुम्मत मर्दा मदद खुदा, तो अल्लाह ताला ने फिर ये बाउंड्री भी बना ली, वाईफाई कैंपस भी बन गया, और आस्ता आस्ता ग्रेजुअली कैंपस भी जो है ना एक बेहतरीन लोकेशन भी है वैसे ही, जामशेद रोड नोन एज एन एजुकेशन सिटी। तो ये बड़ा सा एक, और हमने उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस ये रहा कि फेलियर को कभी छुपाए नहीं, फेलियर शुड नेवर बीन हिडन। रिसेंटली आई कम अक्रॉस ए बुक विच इज़ नोन एज ब्लैक बॉक्स थिंकिंग। आपको जानते हैं कि एयर इंडस्ट्री जब 19,000 के शुरू में जब ये बनी थी, कमर्शलाइज हुई थी, तो उस वक्त बड़े हादसे होते थे, लेकिन अब देखें बिलियंस ऑफ द पीपल आर ट्रेवलिंग, द परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट इज लेस देन 0.01%, 0.02%, कोई 200-300 लोग साल में उनकी डेथ होती है एक्सीडेंट में, लेकिन ट्रेवल कितने करते हैं, क्योंकि वहाँ फेलियर छिपाई नहीं जाती। वो ब्लैक बॉक्स का है कि उसमें जो भी बातें होती हैं एयर कॉकपिट में इस वक्त, वो सारी रिकॉर्ड होती हैं, और उन्हीं उसी फेलियर में ही उन्होंने इस ब्लैक बॉक्स जो कि अब ऑरेंज बॉक्स है, हालांकि हम उसको कहते ब्लैक बॉक्स है, तो उसका उन्होंने यही एडवांटेज लिया कि ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो उसने उनका रंग कलर चेंज कर दिया। लेकिन अब आप देखें मेडिकल में हमारी फेलियर छुपाई जाती हैं। अभी भी इस वक्त दुनिया में अगर आप स्टेटिस्टिक देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन फेलियर हैं वो मेडिकल के प्रोफेशन में है। यानी अमेरिका जैसे मुल्क में आपके पास कोई 7-8% लोगों की डेथ होती है मेडिकल फेलियर। यानी अगर आप देखें कि रोज़ाना एक जहाज जितने लोग मरते हैं सिर्फ अमेरिका में, क्योंकि वहाँ फेलियर छुपाई जाती है मेडिकल के प्रोफेशन में। डॉक्टर ये नहीं बताता कि ये मेरी गलती है, वो कहता है इट्स जस्ट वन ऑफ एक्टिविटी, आई डोंट नो, ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जब हम फेलियर को एक्सपोज करेंगे तो फिर हम फेलियर को इम्प्रूव कर सकेंगे। हम उसको छुपाते रहेंगे तो वो फेलियर तो फिर मेयरली बढ़ती जाएगी। देयर इज ऑलवेज टू वे ऑफ लुकिंग द प्रॉब्लम, आइदर पोस्टपोनिंग इट आर कन्फ्रंट इट। इफ़ यू पोस्टपोनिंग इट, इट विल अल्टीमेटली ग्रो। When you confront it, it will die. लेकिन confront में होता क्या है कि when you confront it, there is a problem. आपको face करने पड़ते हैं। अब now it is up to you whether you want to delay it. Obviously, you delay so that somebody else, so my successor will come and take care of that failure. होगा ये कि उस वक्त वो failure इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके काबू में नहीं रहता। अब मैं जब कन्फ्रंट करता हूँ तो मेरे लिए ये मसला है कि वो ज़ाहिर में एक्सपोज होता हूँ। आई कैन नॉट डिनाई द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फेलियर बीइंग एन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर मेरी यूनिवर्सिटी में कोई फेलियर होता है तो ज़ाहिर मेरा उसमें कसूर तो है कि क्योंकि आई एम द चीफ ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन मैंने मेरा ईमान है कि फेलियर को छुपाना नहीं है। थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती हैं, थोड़ी आपको परेशानी होती है, लोग जो है वो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट माइंड वाले लोग उसको एक्सप्लाइट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ट्रुथ विल प्रीवेल। वो हमारे मुश्ताक मीरानी, आई ऑलवेज कोट टू मी, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, तो झूठ जो है ना इट विल डाई आउट, सच जो है वो इट विल फ्लो। जितने भी छोटे मसाइल आते हैं तो मैं हमेशा ये करता हूँ, लोग कहते हैं सर इसको बस सर छोड़ दें, ये आगे नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं, लेट्स रीच टू द कंक्लूजन, लेट्स कम टू द एंड ऑफ दिस पॉइंट, ताकि आगे ना हो। देर आर टू वे ऑफ अप्रोचिंग द प्रॉब्लम, रिएक्टिव अप्रोच एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच में आप बस प्रॉब्लम हल कर देंगे, लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि प्रॉब्लम हुआ क्यों है, इसको एक्सपोज करें, सबको बताएं, ताकि जो अगला आदमी इसको थोड़ा डर लगे कि ना करे। हम मुसलमान हैं, हम हमेशा जजा और सजा में बिलीवर हैं, लेकिन ओवर द टाइम हम सिर्फ जजा में ही बिलीवर हैं, सजा में बिलीवर ही नहीं है। और अल्लाह ताला जो है वो आपको यानी सक्सेस तभी करेगा जब व्हेन यू मेक ए बैलेंस ऑफ द टू। आप पुरानी कहावत है कि बच्चों के लिए कि खिलाओ सोने के चमचे में लेकिन देखो शेर की निगाह से, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि यू हैव टू बैलेंस द टू एस्पेक्ट। वो रिसेंटली आई हैव ए 5 ईयर माई ग्रैंडसन, तो घर में आके दूसरे लोग कहते हैं अब तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो उठाएगा तो आपको ऊपर रखनी पड़ेगी। मैंने कहा आई नेवर बिलीवर ऑफ मूविंग द थिंग्स अप, उसको मना करें, क्योंकि जब तक तो इस तरह उसका कद भी बढ़ता जाएगा तो आप कितनी ऊपर करेंगे, फिर तो वो आपके मना करने में काम ही नहीं आएगा। तो यू हैव टू निप इन द बड, यू हैव टू एक्चुअली आस्क पीपल नॉट टू डू इट। अनफॉर्चुनेटली वी लीव द थिंग्स ऑन इट्स ओन।
फिर प्रॉब्लम आता है कि अब मेरा कहना नहीं माता बच्चा भी भाई आपने उसको मना ही नहीं किया अपने टाइम पे. तो आई थिंक वी नीड टू लुक इनटू दीज एस्पेक्ट. सक्सेस के लिए जो है ना वो एक और मैं यानी ख़ासतौर पे यंगस्टर के लिए कहूँगा कि टॉप इज़ वैकेंट. टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट. यानी अगर हम एक पटियाले की जॉब एडवर्टाइज करते हैं तो हज़ारों लाखों एप्लीकेशन आती है, लेकिन वाइस चैनल की जॉब ऑफर करते हैं तो 10 एप्लीकेशन आती है. इसका मतलब है कि वहाँ लोग कम हैं. तो हमारे वो डॉक्टर तारिक बनोरी साहब HEC के अब चेयरमैन हैं, लेकिन एक कन्वोकेशन में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि मेक एक्सीलेंस इज़ अ हैबिट. जब आप एक्सीलेंस को हैबिट बनाएंगे तो यू ऑलवेज डू द थिंग्स इन ए गुड वे. हम क्या करते हैं जब प्रेशर आता है तो काम करते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं. मेक इट ए हैबिट. व्हेन यू मेक ए हैबिट, अब मैं आमतौर पे कहता हूँ भाई वी यू वांट टू बिकम ए गुड प्रोफेशनल. इंजीनियर तो आप अच्छे बन गए, लेकिन प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम की पाबंदी तो हो. अब यहाँ हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम है. हम जिस इवेंट में जाएंगे टाइम के हिसाब से वो डिले होगा, टाइम के हिसाब से वो कभी होगा ही नहीं. अब ये बेसिक्स है. हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए करते हैं, मैं कहता हूँ वो लोग कहते हैं कि सर बड़ी भाई लेट द बिगर थिंग्स टेक केयर बाय द गवर्नमेंट, वी डू स्मॉलर थिंग्स. छोटी चीज़ें करेंगे तो बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होंगी. हम एकदम से बड़ी चीज़ करना चाहते हैं. हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ मैं कर दूँ, मैं यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बना लूँ. भाई जो छोटी बिल्डिंग है उसको साफ करो बस, ये तो कर सकते हो. एंड वो ISO में हमारे मैनेजमेंट में कहते हैं कि देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विच यू रियली कैन नॉट डू, बट देर आर मोर देन प्लेंटी ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डू. सो लेट अस फोकस ऑन डूइंग द थिंग्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग नॉट डूइंग द थिंग्स. तो हम अगर फ्यूचर जनरेशन में जाना चाह रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर अडॉप्ट करें, विच इज़ एक्सीलेंस. डूइंग द थिंग्स इन एक्सीलेंट वे. ए पर्सन हु इज़ एक्सीलेंस इन वट एवर स्किल ही हैज़, ही विल ऑलवेज फाइंड हिज प्लेस. क्योंकि टॉप इज़ वैकेंट. अच्छे लोगों की हर दफ़ा जगह खाली मिलेगी. एवरेज लोगों के लिए कॉम्पिटिशन टफ है, अच्छे लोगों के लिए कॉम्पिटिशन है ही नहीं. तो आई थिंक यू नीड टू वर्क हार्ड. दैट्स माई मैसेज फॉर द यंग जनरेशन. स्टिल आई विश के आई कुड कंट्रीब्यूट मोर फॉर माई यूनिवर्सिटी विच इज़ स्टिल रिक्वायर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. क्योंकि ये जो एजुकेशन जिस तरह है या इम्प्रूवमेंट जिस तरह है वो अल्लाह ताला की ज़ात है कुल, हम तो सारे जुज हैं. तो वक्त के साथ साथ अगर कोई ये समझ लेता है कि मैं अब अचीव कर लिया है सब कुछ, तो मेरे ख्याल में दैट इज़ नॉट ट्रू. इट विल कंटिन्यू टिल यू डाई. और दूसरा ये कि जो उस्ताद ख़ास तौर पे ही इज़ एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट उसका कैनवास ह्यूमन माइंड है और उसको वो संवारना है. और जो अपनी लीगेसी छोड़ जाता है वो जो परसिस्ट करता है वो लीगेसी छोड़ जाता है. जो ट्रांसफ़र नहीं करता नॉलेज, जो लीगेसी नहीं छोड़ जाता वो पेरिश हो जाता है. तो हम भी कोशिश करेंगे कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ के जाएं दुनिया के लिए ताकि लोग हमें याद रखें. थैंक यू वेरी मच.